खाना यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है और मेहमान जो है ना आना स्टार्ट हो गए हैं। तो वो इस टाइम पे सारे सोए हुए हैं, मैं जगा की कहाँ कहाँ से पता करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई खुशी से लग रहा होगा, कुछ एक्साइटेड होने वाला है। भाई दावत तैयार हो रही है यहाँ भाई मुनव्वर की तरफ। कल आपको शायद बताया था कि भाई मुनव्वर जो है ना दावत करने जा रहे हैं भाई सवा लोगों की, तो भाई हाँ ऑल मिंटो फैमिली की। तो उसी सिलसिले में यहाँ भाई तैयारियां शुरू हैं। ये देखें चेयर्स वगैरह, टेबल, चारपाइयां, आह क्या बात है, क्या खूबसूरत व्यू बना हुआ है यहाँ पे। भाई देख के रहा, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं। और यहाँ पे भाई किचन में मजे मजे के खाने तैयार हो रहे हैं। क्या क्या तैयार हो रहा है भाई मैं आपको दिखाऊं। आह क्या बात है भाई, फिश चेक करें, बड़ी जबरदस्त तैयार हो रही है और उधर तैयार होके भी पड़ी है। इसको भाई हमने करना है दो दो बार फ्राई खस्ता बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं चख चुका हूं। तो जो दूसरी बार फ्राई की हुई है ना वो बड़ी कमाल की बनी है। और यहाँ बच्चों के लिए भाई ओए होए मेरी जबान जो है ना लबलबा रही है, मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ भाई आलू काटे जा रहे हैं बच्चों के लिए चिप्स बनाने के लिए। आए हाय 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 भाई मजा आने लगा है, मजा। और इधर मैं आपको दिखाऊं, इधर भी चेक करो भाई, चेक करो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये मटन बना के रखा है जी। ओए 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 इतने तो भाई चस बनी भाई। तो भाई हम बार बार यहाँ आके देख रहे हैं भाई क्या तैयार हो रहा है, क्या क्या तैयार हो रहा है। शो जड़ा है ना वो बड़ा मजेदार होने लगा है। माशाल्लाह जगह जो है ना भाई मनोहर ने ये सजा दी है, सच में मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये जगह, किचन के साथ फूलों के साथ। अभी जो चारपाइयां और चेयर्स यहाँ पे पड़ी हैं सज रही हैं भाई, सज रही हैं, देसी टच, प्योर देसी। अच्छा भाई खाना यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया है और मेहमान जो है ना आना स्टार्ट हो गए हैं। दावत बड़ी मजे की होने जा रही है, तो भाई आपने वीडियो ये वाली जरूर देखनी है, भाई मुनव्वर के चैनल पे अपलोड होगी और लिंक जो है वो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बड़े मजे मजे के खाने बनाए हैं भाई, आपने वीडियो जरूर देखनी है। इन्होंने मेहनत की है तो मेहनत का फल मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। तो अभी भाई हम खाना शाना खाते हैं मजे से, बड़ा मजा आ रहा है और एक्साइटमेंट भी हो रही है, इतने मजे मजे के खाने बने हुए। टाइम देखें तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं, बल्कि पूरे ही 11 बज चुके हैं। और इस टाइम इधर किरण जो है ना परेशान खड़ी है, इसने आज भाई लस्सी नहीं रखी जाग लगाने के लिए, और अभी इसको याद आया कि भाई दूध को जाग लगानी थी। मुझे कहती है अम्मा जी से पता करके आओ, भाभी से पता करके आओ। तो वो इस टाइम भाई सारे सोए हुए हैं, मैं जगा की कहाँ कहाँ से पता करूँ। उनकी फ्रिज में देख के आया हूँ मैं, तुम्हें ये पहले भी दिखा चुका हूँ, इसको मैंने दिखाया है, ये इस डब्बे में वो रखते होते हैं लस्सी जो खाली बड़ा। हो सकता है आगे पीछे कहीं रखी हो, बंदा देख ले तब आपको लस्सी का तो पता ही होगा। लस्सी कहीं पे भी नहीं रखी। तो मैंने वीडियो शुरू कर ली है, मैंने कहा भाई ये मोमेंट्स जो है ना कैप्चर कर लेते हैं, वीडियो अपलोड होगी ना तो शायद जो है ना नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़े, हमें कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाए कि अगर लस्सी ना हो दही ना हो तो जाग कैसे लगानी है। पता मसला क्या है, ज्यादा टेंशन बात क्या है, पहले वो मैं खुद ही मक्खन बनाती होती थी, मतलब हमारा जो यूज होता था हम दोनों ने इस्तेमाल करना होता था। अब आपको पता है अम्मा जी भी होती है, वो भी सबने इस्तेमाल करना होता, अम्मा जी हो गए, अब्बा जी, उन सबने भी इस्तेमाल करना है। अब्बा जी तो भाई सुबह नाश्ता ही नहीं करते लस्सी के बगैर, उनका नाश्ता कैसे होगा। तो अब लगाओ कोई जुगाड़, सुबह लस्सी बनती कोई है, लस्सी पीते हैं, फिर बाद में सारे काम। हाँ कोई YouTube से वीडियो देखो, कोई हिसाब लगाओ जाग लगानी है, नहीं तो ऐसे दूध भी जाया हो जाएगा। कितना दूध पड़ा, अच्छा खासा दूध पड़ा, ऊपर मलाई भी अच्छी खासी है, मक्खन भी बन जाए। वो अभी इंडोनेशिया से आए हैं, वो वहाँ से लस्सी ले आए तुम्हारे लिए। यार होता है ना कि वो जाहिर है उतने दिनों से उन्होंने लस्सी वगैरह इस्तेमाल नहीं की, शायद आज उन्होंने बना ली हो। नहीं नहीं वो भी सो गए होंगे। तो मैं क्या करूं, आपको लगता है मुझे इसके बाद नींद आई। तो लगाओ फिर इसको YouTube से वीडियो देखो, कोई ना कोई यार जब मैं नमाज पढ़ी होती ना अम्मा जी आ जाती है इधर, अम्मा जी अब खुद बनाती हूँ यार, तो देखेंगे कि दूध वैसे की वैसे पड़ा या फ्रिज में मैंने दूध सजा। जिसने पहली दफा दूध को जाग लगाई थी ना, मतलब फर्स्ट टाइम, तो उसने तो लस्सी से नहीं लगाई होगी, दही से नहीं लगाई होगी, उसने कोई तरीका तो लगाया होगा यार। वो होता है मतलब मैंने देखे हुए हैं, लेकिन मैंने वो
कमेंट्स भी पड़े हैं उनके नीचे, लोग कहते हैं फजूल है, कोई फायदा नहीं होता। क्या क्या तरीके देखे तुमने? उसमें वो लोग दही जमाते हैं, दही मतलब अगर हम दही इसकी जमा दें उससे वो बन जाएगी लस्सी वगैरह। दही कैसे जमाए? उसमें लोग मिर्च भी डाल रहे होते हैं, हरी मिर्च होती सब। अच्छा, उसके जरिए बना रहे होते हैं, सिरके के जरिए भी बना रहे होते हैं, नींबू के जरिए भी। वो मैंने अब निकाल के रखा हुआ, मैं क्या करूँ? अब ये चीज है मेरे पास है, मिर्च भी है। तो कंफर्म हो तो तभी बंदा ये वाला जुगाड़ लगाया ना, ऐसे तो नहीं कह रही ना। उसके फिर कंफर्म करने के लिए सिर्फ मैं कमेंट्स बैठ के देख रही थी, नीचे वो काफी लोगों ने कहा तो फजूल है, वेस्ट ऑफ टाइम, दूध भी खराब किया हमने, और ऐसे दूध खराब हो जाएगा। मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक, अम्मा ने तो कभी नहीं लगाया इन चीजों के साथ। मतलब मिर्च का तो मुझे भी नहीं पता, मिर्च होते नहीं, लेकिन ये भी खट्टी है, लस्सी भी खट्टी होती है। ये सर्च करो ना यूट्यूब पे, सर्च करो कि सिरके के साथ कोई लगाता है या नहीं लगाता, या फिर वही तो मैं कह रही हूँ ना, लोग लगा रहे थे। अच्छा। लेकिन नीचे वाले जो बैठे हुए थे कमेंट्स करने वाले, वो कह रहे थे कि ये फजूल है, हमने करके देखा और हमारा दूध ज्यादा होगा। तो फिर ऐसा करो, मैं तुम्हें हल बताता हूँ, दूध को बोतल में डालो या किसी बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दो, कल लगा लेंगे। मतलब अम्मा सुबह सुबह आई होंगी ऐसे उठाने के लिए, भी ठीक है ये अम्मा जी के पड़ा हुआ यहाँ पे। हाँ ये मधानी अम्मा जी ने इधर ही रखी हुई है। और जब अम्मा जी आएंगे सुबह सुबह तो फिर वो क्या कहेंगे, इतनी लापरवाही। हाँ ये चीज तो मैं देखना चाहता हूँ ना कि अम्मा तुम्हें सुना है इतनी लापरवाह। यार रोज रखी होती, रोज ही बनाते हैं, पता नहीं आज क्या हुआ। अब यही तरीका, तू जाया तो नहीं करना इसको, रखो। टेंशन दिए जा रहे हो मुझे, ये इतनी कौन सी टेंशन है, कौन सा टेंशन। मतलब एक जिम्मेदारी की बात होती है ना, अम्मा जी पहले खुद लगाती थी, लेकिन अब उन्हें होता है कि ठीक है वो लगा लेगी, खुद ही कर लेगी। भाई आपने इसको तरीके बताने, तरीके तो मैं बाद में बताएंगी, फंसी तो मैं अभी खड़ी हूँ। फंसी अभी खड़ी हो, मैं वही कह रहा हूँ कि आज तो चलो ठीक है, जैसी तैसी गुजर जाएगी। नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा कभी सामना हो ऐसी चीज का, मतलब ऐसी सिचुएशन का, तो चलो तुम्हारे पास कुछ तरीके हो कि कैसे लगाना है जाग। ऐसी तैसी नहीं, ऐसी तैसी क्या मतलब मुझे अभी हमने क्या बोला था, जैसी तैसी होता है, मैं ऐसी तैसी शायद बोल गया। पता नहीं, अगर अपना दिमाग घुमा पड़ा है वो तो कल बताएंगे ना व्यूअर्स, देखने वाले कल बताएंगे, कल सजेस्ट करेंगे और क्या कर सकते। अभी मैं क्या करूँ, अभी कल जो जब अम्मा जी देखेंगी तो फिर अभी क्या बैठो, सोचो बैठ के सोचो। अब आप पता ठंडा मौसम है इस टाइम, दिन टाइम होता है तो चलो बंदा किसी अड़ोस पड़ोस से लस्सी ले लेता है, दही ले लेता है। रात टाइम में किसके जाके कुंडे खड़काऊं, भाई लस्सी दियो सानू, से जाग लाउनी है। अभी मैंने ना लगाई है, मैं बैठ के सोचती रही तो रात तो गुजर जानी है। अभी तो आपको पता ठंडा मौसम हो गया है, पहले जैसी गर्मी नहीं है, तो ये उसे जाग जो है ना वो लगने में, लस्सी बनने में भी टाइम लगता है। अम्मा जी ने वो बनानी होती है, अम्मा जी वो इसके ऊपर जो है ना वो ये रख देती है तकरीबन फजर के वक्त। तो टाइम थोड़ा भी कुछ सोचना है तो सोचो, अदरवाइज दूध को रखो, जाया ना करो, जमा दो इसको। कुछ तसल्ली बंदा कर देता, इतने अरसा आप अम्मा को देखते रहे हो। अच्छा, मैं दही जमाता रहा हूं और लस्सियां बनाता रहा हूं है? तो मैं तो लस्सियां नहीं बनाती रही ना, लेकिन आप कहां थी, तुम कहां रहती थी? मैं क्या पैदा होती लस्सी बनाने लगी, बाकी काम करती नहीं। नहीं, पैदा होने के बाद काफी अरसा बड़ी भी होती रही हो, तब कोई लस्सी नहीं बनाई? ऐसे नहीं बना, तुम्हें मां ने नहीं सिखाया लस्सी कैसे बनाते हैं? हैं सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था, थोड़ा सा सांस याद गई थी। इस टेंशन में आपको सांस याद आ रही है, सांस बनने का ख्याल आ रहा है मुझे ना, सांस करो ना करो बहुत मजा आता। हम भी जब होता था वैसे तो अदरवाइज नहीं बनती होती थी, लेकिन सिर्फ रमजान में बनाते होते थे शहरी के लिए, वो भी ऐसे ही होता था मम्मा, मतलब दही। सोचो सोचो सोचो, ऐसे खड़ी रहो, फंसी खड़ी है ऐसे, मेरा कैमरा ही लटक गया, कैमरा भी लटक गया ऐसे ही चल रहा था, मैं कुर्सी डाल जा रही थी। एक सेकंड एक सेकंड, मोबाइल तोड़ गया ना जैसे, देखा देखा मुझे ऐसे करने की कोशिश आ रही है, उसका हेलमेट खुल गया था। अच्छा सोचो सोचो, ऐसे ही सारी रात में बता रही हूं, मतलब मम्मा लगाती थी तो वो दही यूज करती थी, दही या लस्सी। हाँ मैंने तो यही इस्तेमाल करते हुए देखा है, दही या लस्सी। नहीं अब अक्सर होता है, अब मुनव्वर भाई मतलब उनकी बेगम जो है ना, उनका भी भूल जाए उन्हें कभी, तो वो मुझसे आके लस्सी ले लेती थी। लेकिन अब जब मैं नहीं थी, सिर्फ एक ही दफा लस्सी बनती थी घर में, तो उस वक्त अगर लस्सी नहीं रखते थे तो वो कोई तरीका तो यूज करती वो अम्मा जो है ना वो ख्याल रखती थी, अगर नहीं होती थी ना दिन को उनको पता चल जाता था, वो किसी पड़ोसी से जाके ले लेती थी थोड़ी सी लस्सी या दही। तुम ही नल्ली हो, ऐसा नहीं है ना, पता नहीं लस्सी किधर गई। फंस गई है, फंस गई है।
मैं इस टाइम किसी को नहीं जगाने वाला, मैं डब्बा तुम्हें दिखा दिया लस्सी वाला, उसमें लस्सी नहीं पड़ी। तो वो इंडोनेशिया से लस्सी ले आए हैं, उनको क्या पता। नहीं नहीं अभी तो, अभी तो उनका दूध भी चालू नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। हो गया मुझे पता है, हो गया। आपको क्या पता, वो भी अब्बा जी की तरह ना, उनका भी नाश्ता जो है ना वो लस्सी से ही होता है। तो आप क्या लगता है अभी तक उन्होंने बनाना शुरू नहीं किया होगा? नहीं नहीं आज तो फिलहाल नहीं होगा। नहीं एक मिनट एक मिनट, मैं कैसे कह रही हूँ आपको, आपने कहा ना कि वो डब्बी जो लस्सी वाली खाली है, वो उनकी भरी हुई होती है, और लस्सी कितनी डालते हैं दूध में, इतनी से लस्सी डालते हैं। अगर वो खाली पड़ी है तो मतलब फिर भाभी हबीबा ने ली होगी उनसे। चले पता करता हूँ, वो सो ही ना गए हूँ, टाइम काफी ज्यादा हो गया। क्या ये लीमू डालने लगी हो, इनमें रस भी नहीं है। वो ही तो फूटी किस्मत। लीमू भी सूखे हुए। कुछ तो होगा इसका, अगर इससे बनी तो ये तो कतरे भी काफी होते हैं। हाँ कुछ तो कतरे निकल रहे हैं भाई, कुछ तो निकल रहे हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि लगा के रख देती हूँ, बाकी जो होगा जो वैसे रखना है उसे। पर ये अगर वैसे खराब हो गया तो पानी अलग और दूध अलग। तो चलो अब यही तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हें यही समझ आ रहा है तो ट्राई कर लो, खराब होगी तो चलो पता तो चल जाएगा। अब देखो अब ये रख दिया तो ये किसी और काम आ जाएगा, खराब हो गया तो क्या करेंगे। अपनी जिम्मेदारी पे लगाओ जो भी करना है, अब पक्का सोच लिया है यही लगाना, लगाओ फिर। मुझे डर लग रहा है अब कल मैं उठूं पानी अलग वो सारा दूध फटा पड़ा। चलो तो पता चल जाएगा, लगा दो कुछ नहीं होता, दिखी जाएगी। थोड़ा सा एक दो कतरे डालना, ज्यादा ना डालना, लगा दो तो चल जाएगी। दिल से तो खुश हो रहे भी ऐसे अम्मा गुस्सा है ना देख के। सुबह सुबह सारे तुम्हें सुनाएंगे लस्सी नहीं मिली। हो गया अब तो देखी जाएगी, टन 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 टन। से निकल चुके हैं सिटी के लिए, और सिटी हमने जाना था क्योंकि आज करवाना है मेरा चेकअप, काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था। और हमने सेकंड टाइम जो है ना वो अपॉइंटमेंट ली हुई थी डॉक्टर से, क्योंकि पता है आपको हमारे फर्स्ट टाइम जो है ना वो घर में दावत थी, इस वजह से सेकंड टाइम ना हमने कहा आराम से ना ईजी होकर चले जाएंगे, दावत भी अटेंड कर लेंगे, चेकअप जो है वो भी करवा लेंगे। क्योंकि आज सैटरडे को मैंने कहा करवा लेते हैं, संडे को ना और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं, कहीं आना जाना पड़ जाता है, सौ काम निकलते हैं। और फिर मैंने कहा चले हम संडे को फ्री होंगे। अच्छा बात है, इधर उधर घुमा फिर आके लगाई जा रही हो, जो मेन बात है वो तुमने नहीं बताई मुझे। कौन सी? रात को जो तुमने लीमू की दाग लगाई है उसका सुनाओ, उसका क्या बना? क्योंकि लस्सी तो भाई मुझे मिली नहीं। तो मैंने कहा कि वो सैटरडे है ना तो हम चले जाएंगे। ओ यार वो बताओ, लगता है बेइज्जती वो ना उसमें हमने मतलब मैंने लीमू डाला था ना तो वो जो दही नहीं जमा, और उसका ना अलग से वो जैसे पनीर नहीं बनाते होते हाँ, फुटकियां बन जाती वो अलग से वो वाली बनी हुई थी, मतलब वो थोड़ा हार्ड ज्यादा हो गया था हाँ। वो अलग अलग पानी अलग वो सारा कुछ अलग हुआ था। फिर जब अम्मा आए मतलब सुबह देखने के लिए, मैं मुझे तो बहुत ज्यादा था, मैं 4 बजे उठ के मैंने देखा कि क्या सूरत हाल है, बन रहा है कोई नहीं बना। और उसी वक्त ना मैंने दिल पे हाथ रख लिया, मैंने कहा ये गया खराब हो गया। फिर अम्मा जी आई, अम्मा ने देखा और फिर मैंने अम्मा को बताया कि ये हुआ था रात को। तो फिर बस क्या कहा उन्होंने, उनका भी बताओ ना। मतलब उन्होंने क्या कहता था, ये कहा ना कि पहले मतलब दिन को देख लेनी थी लस्सी वगैरह, और मतलब ख्याल रखना चाहिए ना बंदे को। वो ना फ्रिज में पीछे करके रखते हैं डब्बी के अंदर बंद करके, और वो हमेशा यही होता है रोज। यार मैं ही लगाती हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मैं माइंड में नहीं रहा, तो बस इस वजह से ना वो फिर अम्मा जी कह रही थी चलो अगर नहीं मेरा था तो फिर दूध ही चलो बोतल में डाल के रख देती, दूध किसी काम आ जाता। और वो पनीर वो भी वो वाला सीन नहीं था, जैसे पनीर वो भी और उसका मेथड होता है, तो वो एक तरह से बस वेस्ट ही हो गया। तो बस ये कहानी जो आप सुनना चाह रहे थे, इसरार कर रहे थे बार बार, मेरी बीवी इतनी सुगड़ा है, हाय हाय पता नहीं। यार मैं तो लस्सी लीमू से भी लगता ही होता है, पता नहीं क्या सीन बना मुझे नहीं पता, तो वो काम जो है ना हमारा काम है। आप भी चलो खुश हो गए? सुन लिया, बहुत खुश, काफी दफा पूछ चुके कि लस्सी आज नहीं मिली, आज लस्सी कहाँ है, लस्सी कहाँ है। मैं बस फिर आगे पीछे मैं कर गई, मैंने कहा चले जो हो गया सो हो गया, अभी उधर ध्यान दो, उधर जाकर मैं तो अपना ध्यान में ही हूँ। हाँ बस वही उसकी तरफ फोकस करो। चलो जी।
उतरो, पहुंच गए हम। ये इधर भाई दलान में गाड़ी खड़ी कर दी है, हमारी अकेली गाड़ी है। ये कितना होगा प्लॉट? ये एक कनाल का प्लॉट है तकरीबन, मुझे दो कनाले लगती हैं। बहुत बड़ा है एक कनाल। हाँ, ये चेक करो, एक कनाल खाली हो ना, छोटा सा लगा। लेने लगी हो? अच्छा भैया, अभी यहाँ से टायर में हवा चेक करवानी थी, क्योंकि भाई गाड़ी काफी अरसा खड़ी रही है और भाई सवार ने भी चेक कोई नहीं करवाया, तो आज मेरे जिम्मे लगाया उन्होंने चेक करवाने के लिए। सारे टायरों में 30-30 करनी है। चले भाई, अभी मंगवा लिए जूस और किरण दोनों टेस्ट कर चुकी है, अब बताओ कौन सा पीना। अनार वाला, ये भी मजे का है। चलो मुझे थोड़ा सा वो चखा देना यार। नहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी मैंने टेस्ट किया है, ये पीने के बाद वो थोड़ा कड़वा लग रहा है। चलो मैं पहले ये पी लेता हूँ, फिर अनार वाला भी होगा। अच्छा भाई, अभी लेने हैं यहाँ से फ्रूट, फ्रूट्स हमारे हो गए थे खत्म। अनार ले रहे हैं जी 2 किलो, भाई को बोला भाई मजेदार से लाल लाल डाले। एक नारियल दे दे, कितने का नारियल है? 600। सेब हो गए भाई, और जापानी फल अनार, और एक अदद नारियल। तो चले भाई, चेकअप हो गया है और जो काम शाम हमने करने थे वो भी कर लिए हैं, माशाल्लाह एवरीथिंग इज ओके। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।